नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज की लाइफ में प्रिंटर जो है इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का, आप सबको प्रिंटर्स की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम मेरे सब्सक्राइबर यही पूछते हैं कि सर कौन सा प्रिंटर लिया जाए, इंकजेट प्रिंटर लिया जाए या लेजर जेट प्रिंटर लिया जाए। सो अगर आपके भी मन में कोई ऐसा सवाल है कि कौन सा प्रिंटर खरीदा जाए अपने बच्चों के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए, इंकजेट लें या लेजर जेट लें, तो आज का वीडियो आप देखते रहें। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सा प्रिंटर जो है हमारे लिए बेस्ट होगा, आइदर दैट इज इंकजेट और लेजर जेट। मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चले बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, आज की लाइफ में जैसे कि आप सबको पता है कि आपके बच्चे या आपके फ्रेंड्स या आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स जो भी स्कूल एंड कॉलेजेस में जाते हैं, उनको बहुत सारा प्रिंटिंग का काम मिलता है, स्कूल का होमवर्क मिलता है, या हमारे कुछ ऑफिस की जॉब ऐसी होती है कि हमें बहुत सारा प्रिंट आउट खुद निकालना पड़ता है। तो जब भी प्रिंटर की बात हमारे दिमाग में आती है कि हमारे पास एक प्रिंटर होना चाहिए, तब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रिंटर कौन सा लिया जाए, इंकजेट या लेजर जेट। सो फ्रेंड, इंकजेट प्रिंटर खरीदे या लेजर प्रिंट खरीदे, इसका कोई भी एक फिक्स जवाब नहीं है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि प्रिंटर का क्या पर्पस है, आप किस काम के लिए प्रिंटर यूज करना चाहते हैं और किस पेपर के ऊपर उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। आपका ऑफिशियल वर्क है या स्कूल का वर्क है, हैवी वर्क है, किस टाइप का आपका काम है, उसके ऊपर ये सारे डिपेंड करता है कि कौन से प्रिंटर आपको जो है खरीदना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर जो है किन किन कंडीशंस में हमें खरीदना चाहिए और इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप जो है एक डिसीजन बना पाएंगे कि आप इंकजेट प्रिंटर खरीदें या लेजर जेट प्रिंटर खरीदें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोनों टाइप के प्रिंटर्स के बारे में, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, उनके क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में पहले आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इंकजेट प्रिंटर की, तो जैसे कि इंकजेट प्रिंटर है, इसके नाम से ही क्लियर है, इंकजेट मीन इसके अंदर जो है हम इंक को यूज करते हैं। इंक जो है हम कार्ट्रिज के रूप में, या कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कलर के आपको बॉटल्स मिलते हैं या कहीं कहीं कलर्स की ट्यूब्स होती हैं, उनके द्वारा जो इंक है इसके अंदर ट्रेवल करती है, दैट्स वाई इसको हम जो है इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। तो इस प्रिंट के अंदर जो बॉटल्स में इंक होती है, वो इंक जो है प्रिंटिंग नोजल है, उसके थ्रू बाहर जाके जो है आपके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती है और जिससे क्या है पेपर के ऊपर प्रिंटिंग होती है। अगर इसी को थोड़ा सा और टेक्निकल डिटेल में हम जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये इंक को क्या करते हैं, इंकजेट प्रिंटर के अंदर इंक थोड़ी सी गर्म होती है, गर्म होने के बाद वो जो है नोजल के अंदर से बाहर जाती है और उसके बाद वो पेपर पे चिपकती है और प्रिंटिंग जो है वो होती है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वो सुनने में थोड़ा सिंपल है, बट मैकेनिकली अगर इसको देखा जाए तो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो अगर हम बात करते हैं लेजर जेट प्रिंटर की, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कोई भी इंक नहीं होती और लेजर जेट प्रिंटर के अंदर हम काम में लेते हैं टोनर को। टोनर जो होता है वो एक ड्रम टाइप का होता है, इसके अंदर ड्राई टाइप का पाउडर रहता है। यहाँ पे टोनर के साथ जो है प्रिंटिंग होती है, वो कैसे होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ। लेजर जेट प्रिंटर के अंदर आपको देखने में मिलेगा एक बड़ा सा ड्रम होता है, इस ड्रम के ऊपर जो है एक लेजर बीम होता है जो कि पल्स करता है वहां वहां पे, जहां जहां पे हमें प्रिंटिंग करनी होती है। और उसके बाद जब वो टोनर जो है ड्रम के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसके साथ में चिपक जाता है। और जब हम कागज को लगाते हैं ड्रम के ऊपर, तो हीट की वजह से जो टोनर है वो कागज के ऊपर आ जाता है और आपको जो है प्रिंटिंग उस पेपर के ऊपर जो है दिखाई देता है। मगर दोस्तों, जैसे कि ये हीट की वजह से होता है, तो आप देखेंगे कि आपका पेपर भी थोड़ा सा आपको गर्म जो है महसूस होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, दोनों के अंदर इंक है, बट एक के अंदर लिक्विड है और एक के अंदर ड्राई है। बट आई थिंक अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा कि ये इंक जेट प्रिंटर हम खरीदें या हम लेजर जेट प्रिंटर। तो उसके लिए चलो हम थोड़ा सा बेसिक जो प्रोज एंड कॉन्स है, बेसिक जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं दोनों प्रिंटर्स की, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंकजेट को लेते हैं दोस्तों। इंकजेट प्रिंटर के अंदर अगर आप खरीदते हैं, तो सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर जो है आपको काफी सस्ता मिलता है। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाएं, तो आपको हार्डली 2000-3000 में एक बढ़िया इंकजेट प्रिंटर विद स्कैनर
एंड फोटोकॉपियर के साथ मिल जाता है। और इंकजेट प्रिंटर जो है मिलता तो आपको सस्ता है, उसके बाद अगर आप फोटो प्रिंट करते हैं या आप फोटोज का प्रिंट आउट लेते हैं तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटर फॉर फोटो प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, हम लिक्विड इंक यूज करते हैं और जो भी रेजोल्यूशन होते हैं हमारी फोटो को उनको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। और इंकजेट प्रिंटर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप किसी टाइप के भी पेपर के ऊपर जो है इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्टिकर है, चाहे वो आपका प्लास्टिक टाइप का पेपर है या आपका नॉर्मल पेपर है। इसमें होता क्या है कि आपके पास एक लिक्विड इंक है जो कि स्प्रे करती है पेपर के ऊपर और आपको जो है प्रिंट आउट दिखाई देता है। सो किसी टाइप के भी मटेरियल के ऊपर हम जो है इंकजेट प्रिंटर से प्रिंटिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम यहाँ पे डीमेरिट्स की बात करते हैं, मीन्स टू से की कॉन्स की बात करते हैं, तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसका जो है कॉस्ट जो है लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनिशियली आपको सस्ता मिल जाएगा बट बाद में जो है आपके टोनर जब खत्म हो जाएंगे, जो इंक के कार्ट्रिज होते हैं उनको भरना काफी कॉस्टली होता है, आपकी जो इंक की पाइप्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, अगर उनको आप भरवाते हो तो वो बहुत ही कॉस्टली होता है। और इसके अलावा जो इंकजेट प्रिंटर है उनकी जो है प्रिंटिंग स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। एंड अदर थिंग कि अगर आप इंकजेट प्रिंटर को ज्यादा देर तक यूज नहीं करते, सपोज करो कि आप फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते, तो कई बार क्या होता है इसके कार्ट्रिज जो है पड़े पड़े उसकी इंक जो है ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद वो इंक जो है खराब हो जाती है और कई बार क्या है इसकी जो नोजल्स होती हैं वो भी आगे से ब्लॉक हो जाती हैं ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ दैट इंक। अगर दूसरी तरफ दोस्तों हम बात करते हैं लेजर जेट प्रिंटर की, तो लेजर जेट प्रिंटर बहुत ही फास्ट प्रिंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, इसके अंदर प्रिंटिंग की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इनिशियली भले ही ये महंगा मिलता है प्रिंटर बट उसके बाद जो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, बिकॉज कि इसके अंदर जो है इंक जैसा कोई भी पार्टिकल जो है लिक्विड यूज नहीं किया जाता, इसके अंदर जो है पाउडर्स में जो है इंक यूज की जाती है। हालांकि जो लेजर जेट प्रिंटर है ये फोटोज वगैरह प्रिंटिंग करने के लिए तो इतना बढ़िया नहीं होता, बट अगर आप टेक्स्ट में प्रिंटिंग कर रहे हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो है बहुत ही बेस्ट प्रिंटर, बिकॉज कि इसके अंदर क्या होता है कि लेजर जेट प्रिंटर के अंदर आप छोटे से छोटे फॉन्ट में भी एक क्लियर और बढ़िया टाइप का प्रिंटिंग जो है वो करवा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो प्रिंटिंग जो है वो लेजर से होती है ना कि इंक से होती है। तो उसके अलावा दोस्तों जो इंकजेट प्रिंटर के एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं, बिकॉज के लेजर जेट प्रिंटर जो होता है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये बल्की होता है और इंकजेट प्रिंटर जो है वो कॉम्पैक्ट होता है, छोटा सा होता है, आप कहीं भी उसको रख सकते हैं। और दूसरा जो है लेजर जेट प्रिंटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज ये प्रिंटर जो है गर्म होने के बाद ही चलता है, जबकि इंकजेट प्रिंटर में ऐसा कुछ नहीं है। सो दोस्तों अभी ये डिसीजन आपके ऊपर है कि अगर आप अपने घर के लिए एक प्रिंटर खरीद रहे हैं यहाँ पे कि डेली आपको दो या तीन पेज प्रिंट करने हैं या कभी कभार कोई फोटो भी प्रिंट करनी है, तो आई थिंक कि आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक इंकजेट प्रिंटर खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं आपको पड़ेगा, बिकॉज कि आपका काम भी कम है, आपको दो तीन पेज ही प्रिंट करने हैं डेली और कभी कभार आपको जो है फोटोज वगैरह प्रिंट करनी होती है। और दूसरी तरफ अगर दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट प्रिंट करना है, आपका हैवी ड्यूटी काम है, आप ज्यादा पेज प्रिंट करना चाहते हैं और फोटोज वगैरह तो आप बिल्कुल नहीं करते या कभी कभार एक आधी फोटो प्रिंट करते हैं, तो आई थिंक आपके लिए सबसे बेस्ट होगा लेजर जेट प्रिंटर। भले ही वो शुरू में आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट लॉन्ग रन में जो है वो बहुत ही आपको चीप पड़ जाएगा, बिकॉज कि आपका जो हैवी ड्यूटी वर्क है वो लेजर जेट से ही कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ये जो लेजर जेट प्रिंटर है ये जो है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए बना है। इन लास्ट दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि भले ही कुछ एड ऑन मिलता है कि आपको इंकजेट के साथ जो है स्कैनर भी मिल जाता है, फोटोकॉपियर भी मिल जाता है, बट लेजर जेट के साथ नहीं मिलता, मगर बेसिकली आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है या फोटोज प्रिंट करनी है कितनी आपको इंक की जरूरत होती है, और आई थिंक आपको उसी तरीके से जो है इसको चूज करना चाहिए कि आपको इंकजेट लेना चाहिए या लेजर जेट प्रिंटर लेना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी प्रिंटर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है अभी भी, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंकजेट प्रिंटर में और क्या चीजें हैं और क्या इसकी मेरिट्स हैं, प्रोज क्या हैं और दूसरा इनके क्या कॉन्स हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हमारी टीम जो है 24x7 आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई के लिए रेडी रहती है। और जाने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जब भी हम नए नए वीडियोज जो है इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और आप टाइमली उन वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द कंप्यूटर गुरुजी चैनल।
So keep on watching Computer Guruji channel. Have a happy learning.